तो जो लोग हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों को पता होगा कि अभी हमने कुछ दिन पहले iPad Air 5 परचेज़ किया था और अब हमें लगभग 10 दिन के आसपास हो चुके हैं उसको एक्सटेंसिवली यूज़ करते हुए, मतलब बहुत ही बढ़िया से यूज़ किया हमने इसको और रोज़ अच्छा खासा 3-4-5 घंटा हमने इसको यूज़ किया है। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है, इसके बारे में कोई एक रिव्यू मेरा है वो मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ कि मुझे कौन कौन सी चीज़ इसमें अच्छी लगी, कौन कौन सी चीज़ इसमें अच्छी नहीं लगी, वो सारी बातें इस वीडियो में आप लोग को बताऊँगा। तो अगर आप लोग को कभी iPad Air 5 या iPad Air का कोई भी जनरेशन ख़रीदना हो या iPad ही ख़रीदना हो तो ये आपके लिए एक बाइंग गाइड हो सकता है कि इसमें किन लोगों को ये पसंद आ सकता है, किन लोगों को ये पसंद नहीं आ सकता है। तो इस वीडियो में बने रहिए, इसी के बारे में बात करने वाले हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगर वीडियो से आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर सबसे पहली चीज के बारे में बात करूंगा तो इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत अच्छा है। मतलब कुछ भी आप इसमें क्लिक करते हो या कोई भी आप इसमें एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है। ऐसा आपको डिले देखने को नहीं मिलता है, इसमें आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। तो उस केस में इसका रिस्पॉन्स टाइम देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। बड़ी स्क्रीन है, पेंसिल मिल जाती है इसमें, मतलब इसके साथ डुप्लीकेट पेंसिल चल जाती है और मैग्नेटिक वो सपोर्ट मिल जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। रिस्पॉन्स टाइम जैसे कि मैंने आपको बता दिया। परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। अगर परफॉर्मेंस के लिए मैं आपको एक कोई बेंचमार्क बताऊं तो अगर आप 4K वीडियो एडिटिंग भी करोगे ना तो इसमें आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। आपको कहीं पे भी जब भी आप उसमें आगे पीछे करते हो कुछ एडिटिंग के टाइम पे तो आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा, और आप रेंडर करते हो तो अच्छी खासी बड़ी फाइल साइज़ भी, जैसे 8GB की फाइल मेरी थी उसमें भी 2 मिनट से कम में ही फुल रेंडर हो गया था। तो ये भी आपको बहुत अच्छा एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आता है इसमें। और अगर आप विंडोज़ लैपटॉप से स्विच कर रहे हो एप्पल इकोसिस्टम में तो आपको बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस वाइज, क्योंकि जो लैपटॉप्स इस रेंज में आते हैं ना, जिस रेंज में ये मैकबुक आया है मतलब 50,000 के आसपास, वो भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं क्योंकि उनका जो प्रोसेसर है i5 आता है मेरे ख्याल से इस रेंज में। और i5 में अगर आप एक्सटेंसिव वीडियो एडिटिंग करते हो, गेमिंग भी करते हो, तो उसमें लैग देखने को मिल जाता है। वो लैग इसमें M1 चिप की वजह से देखने को नहीं मिलता है। और अगर आपको M1 चिप के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा जिसमें M1 चिप के बारे में आपको पूरा बाइफरकेट करके, उसका पूरा पोस्टमार्टम करके आपको समझा दूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि M1 चिप का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों है। इंटेल के जो हमारे वो चिप्स हैं जो लगते हैं विंडोज़ के लैपटॉप्स में, उनके कंपेरिज़न में। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो आती है इसकी सिक्योरिटी। आपको बताया दोस्तों कि एप्पल जो है अपनी सिक्योरिटी को लेके बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। तो एप्पल की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और इसमें आपको बहुत ही लेवल की सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है। इसीलिए आपने सुना होगा कि एप्पल इकोसिस्टम को हैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इम्पॉसिबल तो नहीं है किसी भी चीज़ के, किसी भी इंसान के लिए कुछ भी, लेकिन हाँ एक लेवल तक इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी रहती है। इसका अगर मैं आपको बात करूँ कि इसका फिंगरप्रिंट बहुत अच्छा है, इसमें फेस आईडी तो नहीं है इस वाले iPad Air में, M1 Pro में है शायद फेस आईडी, तो वो भी बहुत फास्ट है। उसके बाद अगर आप कुछ भी किसी भी वेबसाइट्स पर जाते हो तो ऐसा डर सा नहीं रहता है अंदर से, जैसे हम विंडोज़ से आए हैं या फिर हम एंड्रॉयड से आए हैं तो हम जब भी यूज़ करते हैं तो ऐसा अंदर से ये डर नहीं होता है कि इस लिंक पे क्लिक करने से क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ये एप्पल की थोड़ी स्पेशलिटी में आ जाता है। अगले बारे में बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग के लिए। अब दोस्तों देखिए, मल्टीटास्किंग क्या है, विंडोज़ लैपटॉप में अभी पिछले कुछ समय से देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन इन लोगों ने बहुत पहले से ही मल्टीटास्किंग पे बहुत जोर दिया था। इसमें iPad Air 5 में भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मल्टीटास्किंग का ऑप्शन मिल जाता है। दो स्क्रीन को आप पैरेलली यूज़ कर सकते हो, उसमें आप देख सकते हो कि आप
ड्रैग करके किसी को छोटा बड़ा कर सकते हो, और साथ ही साथ तीसरी एक स्क्रीन को, तीसरे एक किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को भी आप साथ में यूज़ कर सकते हो। तो एक साथ लगभग 3-4 चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है आपको मल्टीटास्किंग से रिलेटेड। अगली बार हम बात करते हैं, तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स या फिर ऐप्स आप बोल सकते हो वो काफ़ी लिमिटेड हैं, क्योंकि एप्पल जो है वो अपने ऐप स्टोर में ऐप्स को लाने से पहले, सॉफ्टवेयर्स को लाने से पहले बहुत ज़्यादा चेक्स करते हैं, उनका बहुत चेकिंग पॉइंट्स हैं, उनके सिस्टम हैं, इसीलिए एप्पल स्टोर में ऐप्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा चेकिंग के बाद आते हैं, इसलिए थोड़ा लेट आते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पे आप देखोगे या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टोर है उस पे आप देखोगे, तो उस पे बहुत सारे ऐप्स आपको मिल जाते हैं। नॉर्मली जो डेवलपर्स हैं वो विंडोज़ और एंड्रॉयड के ऐप्स ही बनाते हैं जनरली, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, इसमें काफ़ी चेक पॉइंट्स हैं वो सारे क्लियर करने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए डिले होता है। अब बात करते हैं कुछ गेमर्स के बारे में, तो गेमर्स के लिए ये आईपैड कैसा है? तो यार देखो, गेमर्स के लिए आईपैड बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें M1 चिप लगी हुई है, M1 चिप लगने की वजह से आपका इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलता है, आपको लैग देखने को नहीं मिलता है। हाँ, इसमें आप एकदम अल्ट्रा हाई सेटिंग पे नहीं खेल सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इसमें आप बहुत अच्छी ग्राफिक सेटिंग्स करके, मुझे तो ज़्यादा नहीं पता है गेम्स के बारे में, लेकिन हाँ जितना मैंने देखा है लोगों को यूज़ करते हुए, आप बहुत ही अच्छी और एक्सटेंसिव गेमिंग कर सकते हो, ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जो फेस टाइम मिलता है, इसमें आपको सेंटर स्टेज का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर स्टेज मतलब अगर आप हल्का सा मूव करोगे ना, तो ये आपके साथ, इसका जो कैमरा है वो आपको सेंटर में रखने की कोशिश करता है, तो वो आपके साथ थोड़ा थोड़ा मूव करता रहता है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ तो यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही अमेजिंग है। इसमें आपको लगभग अगर आप अच्छे से यूज़ करते हो तो 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है, और अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो कि आपने वीडियो एडिटिंग कर ली, थोड़ा सा यूट्यूब देख लिया, थोड़ा सा कुछ न्यूज़ वगैरह पढ़ लिया, थोड़ा सा कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ लिए, तो आपका 10 घंटे से भी ऊपर जा सकता है और आराम से एक दिन तो चल जाता है। तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है वो एक दिन से ज़्यादा ही मुझे इसमें बैटरी बैकअप मिल गया था। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो iOS 13 के बाद से जो भी इनके ऑपरेटिंग सिस्टम में अपडेट्स आए हैं एप्पल के, उसमें एप्पल का कहना ये है कि जो इसमें इन्होंने बैटरी चार्जिंग की स्पीड है इसको थोड़ा सा तेज़ कर दिया है, इसकी वजह से इनका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा और बढ़ गया है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के भी दिखा देता हूँ, इसमें इन्होंने बोला है एक आर्टिकल में कि ऑप्टिमाइज्ड बैटरी चार्जिंग इज़ डिज़ाइन टू रिड्यूस द वेयर ऑन योर बैटरी एंड इम्प्रूव इट्स लाइफ स्पैन बाय रिड्यूसिंग द टाइम योर आईफोन स्पेंड्स फुली चार्ज्ड। तो ये चीज़ आती है। अभी तो आईपैड में आपको 16.3.1 का लेटेस्ट वर्ज़न मिल जाता है। अगली चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो इसका जो स्पीकर है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको 4 सेट स्पीकर्स मिल जाते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और बहुत ही अच्छा स्पीकर इसमें आपको मिल जाता है, 4 सेट का स्पीकर। और आईपैड एयर और आईपैड प्रो दोनों के अगर साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो दोनों की साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा मैच करती है, दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैच करती है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें आपको समझने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें थी इस वीडियो में। आई होप आप लोग को चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर अगर आप ऐसे ही मस्ती के लिए देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आया होगा कि एप्पल क्या क्या चीज़ें अपने प्रोडक्ट्स में देता है, और क्यों एप्पल अपने समय से थोड़ा आगे माना जाता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी चीज़ों को आज दे रहा है जो विंडोज़ में बाद में आएंगी, जैसे कि मल्टीटास्किंग इसमें एप्पल में पहले से आती है और विंडोज़ ने अभी हाल में मल्टीटास्किंग को इंट्रोड्यूस किया है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एप्पल समय से थोड़ा सा आगे लेके चलता है, विजनरी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।